Siddharth, you can start. यस सर, सो लाइक 1 to 10 में अगर कोई मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? सिद्धार्थ तुम फ्लो में जा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लाइक दैट. किसी को भी डाउट होगा तो बीच में इंटरफेयर कर लेगा ना. या प्लीज गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. अच्छा ओके. हाँ तो एक सर सॉल्यूशन ऐसे ही बता सकते हैं क्या, मतलब आइडिया सॉल्यूशन का? हाँ ओके, तो मतलब 7 में बस ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है लाइक 5/2, 1/2 से स्लोप लाइक पॉइंट पता है, स्लोप अज्यूम करके उसको कट करवा सकते हैं. और फिर कोई भी मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे लाइन पे, और फिर जो जीपी की कंडीशन है वो लगा लेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके. मतलब मैंने तो वैसे ही सॉल्व किया था. हाँ मतलब करेक्ट जाता है. अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगाओगे तो एक आर स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आ जाता है, वहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे तो रिजल्ट आ जाता है. दिस इज करेक्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी. सो इज इट ओके? यस सर. फिर 8, 9 क्वेश्चन नंबर 9. तो इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए, मैंने पॉइंट अज्यूम करके किया था. अच्छा ओके. हाँ तो हाँ तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन हमें ये भी मतलब एक ये पता है 1,0 से पास कर रहा है, वापस स्लोप अज्यूम करके बाय एक्सिस का जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. फिर एंगल जो ओए भी है वो दे रखा है ग्रेटर देन π/4 एंड नॉट इक्वल टू π/2. तो जो मतलब वो ओरिजिन के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल वो ओरिजिन ही है ना? हाँ ठीक है. तो ओरिजिन ही है. हाँ यस. तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा अगर एक एंगल अल्फा है दूसरा 90-α हो जाएगा. और फिर सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी दे रखा है एंड बी डैश मिरर इमेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ओ सी दे रखा है. तो मतलब बस उसको रिफ्लेक्ट करना है. और वो जो पॉइंट बी आया है वो स्लोप फॉर्म इक्वेशन से उसको ओ सी जो लाइन है वो जो रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन का जो भी वो फॉर्मूला होता है x-x1/a = y-y1/b इक्वल टू -2 ax + by + c / a² + b² जो फॉर्मूला है वो यूज करके मिरर इमेज आ जाएगा उसका. और फिर बस रेशियो निकालना या फिर प्योर ज्योमेट्री से भी ट्राई कर सकते हैं. मैं उसे ट्राई नहीं किया बट इससे हो गया था. मैं प्योर ज्योमेट्री से ज्यादा बेटर बनता है एक्चुअली. हाँ सर मैंने स्ट्रेट नॉर्मल. आयति ने कैसे किया है क्वेश्चन? So I did it exactly like he said it. मैंने रिफ्लेक्शन लिया पॉइंट बी का सी सी डैश में एंड देन आई फाउंड द एरिया ऑफ बोथ द थिंग्स. हां तो ये दोनों एरियाज मतलब बी बी डैश सी डैश और बी सी बी डैश का एरिया सेम आ गया ना? सॉरी सर व्हाट आई डिडंट गेट यू. बी मतलब एरिया ऑफ बी बी डैश सी डैश एंड बी सी बी डैश का एरिया सेम आ गया ना? That's it. वहीं से question solve हो जाता है ये. That's a question of three lines according to me. Is there anyone given a pure coordinate geometry method? Geometry से क्या है? Geometry से तो हो गया. Coordinate geometry कोई method utilize किसने किया है? Sir points assume करके किया था. जैसे बेटा कैसे? हाँ सर सेम 2,0 अज्यूम किया था और वो मतलब बहुत 0,2 और 1,0
अच्छा 1.0 तूने ए पॉइंट को ले लिया, बी को अज्यूम किया तूने 0.2, 0.2, अरे मार्वेलस, हाँ वो बढ़िया है, उससे सारी चीजें जल्दी जल्दी निकल आएंगी, वो बढ़िया। दिस इज कॉल्ड चीप मेथड बट गुड मेथड, इट हेल्प्स। ओके ओके नाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी का डाउट? I just want to ask if for question number 10 is the answer C and D? And yes, sir. It's coming out to be C and D. C option में I think equation वापस satisfy नहीं होती है. मतलब एक LHS negative आता है, RHS positive आता है. एक मिनट, कौन सा question number 10 क्या? सब लोग verify कर लो पहले. तुम लोग verify कर लो पहले. वो squaring करने से I think extra root आ जाता है, इसलिए इसलिए दिक्कत हो रही है. फोर्थ का आंसर ए बी है क्या? ए डी की जगह ए डी आया मेरे को भी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सर? फोर्थ में। सिद्धार्थ तेरा ही टर्न है, तू ही देख। हाँ सर देखा। फोर्थ में एक सेकंड अपना ये, बाकी टेंथ में तो हाँ वो एक एक्स्ट्रा रूट आ रहा है, वो मैं अग्री कर सकता हूँ, बाकी फोर्थ का टेंथ का डी करेक्ट है। हाँ सर। फोर्थ वाले में क्या इशू हो सकता है? और फोर्थ वाले में मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 कर तो हाफ और 8 आ गया। हां फोर्थ वाले में हाफ और 8 आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, या या माय बैड। इज देयर एनीवन एल्स लाइक ना हैवी हैविंग डाउट? क्या मेथड क्या किया रचित, क्या मेथड अडॉप्ट किया है? सर ज्योमेट्री से वेरी स्लो में रिलेशन आता है। हां करेक्ट होगा क्या? बी एंड डी दोनों सेकंड में। सिद्धार्थ equal to 2 तो सिर्फ पेरिमीटर होगा ना? हाँ सही है, and D में E greater than equal to 2 दिया है। हाँ तो वो भी करेक्ट होगा, region outside and perimeter। हाँ हाँ भाई वो wait answer क्या दिया हुआ है? सिर्फ B दिया था सर। हाँ सर रुको, then which of the following are true equal to 2 perimeter and E equal to 2 पे तो स्क्वायर बन रहा है, बराबर है। किसने ट्राई किया क्या इसका? बी ऑप्शन के बाद में बी आता है सर, बी आता है इसका, नहीं बी तो आता है इसका, बी तो आता है, डी डाउटफुल सर। डी में अगर सर ली इक्वल टू 2 में सर आई थिंक पूरा ही आ जाता है, मतलब पूरा पूरा रीजन आ जाएगा, मतलब ऐसा है तो, क्योंकि दे हैव ओनली स्पेसिफाइड पेरिमीटर और स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के अंदर का भी आ जाता है व्हेन ए इज इक्वल टू 2 और इनने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा। मैं ई अगर ग्रेटर देन 2 ले लो हमारे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन होना चाहिए क्या इसका? नो नहीं सर। कौन बोल रहा है डी ऑप्शन पे? कौन फाइट मार रहा है? नहीं सर मुझे आई थिंक समझा, ई अगर 2 से ज्यादा हुआ तो स्क्वायर के अंदर का भी आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, यू आर राइट। Yes, 1 to 10 में और कोई डाउट किसी को बचा है? चलो विल गो फॉर 10 टू 20। 11 12 13 11 11 home yeah so from the जो दो इक्वेशन दिए हैं उसमें से
तो ये जो दो इक्वेशन है वो टैंजेंट का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो उससे हम सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16। और फिर जो जो हमने सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन दिया है 2 साइन थीटा बाई 2 साइन 5 बाई 2 इक्वल 1, उससे हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 माइनस कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इक्वल 1। फिर हम जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म होता है उससे हम लिख सकते हैं कि जो मतलब जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो उससे जो एक पॉइंट आता है एक्सटर्नल पॉइंट, उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म से लिख सकते हैं फॉर कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 कॉमा फॉर साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 अपॉन साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 एस एच एन के। उसके बाद मतलब जो रिलेशन आया था ऊपर। अच्छा बच्चों तुम लोग को एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन नंबर 11 में x cos थीटा प्लस y sin 5 y sin थीटा इक्वल टू 4 और 5 की टर्म्स में इज इक्वल टू 4, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें ऐसे रटने के लिए बोला हुआ है क्या? मतलब ये बड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बहुत बार इलिप्स में इक्वल टू b डाल के आता है। हां वही मैं कह रहा था बस, तो उसमें बहुत जल्दी से इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाता है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया तो h2 + k2 आ गया ना सर, वो कंडीशन भी अच्छी है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देते हैं तो जो थीटा माइनस 5 वाला है वो हो जाता है, तो उससे सब कॉस और साइन में आके फिर ए आता है। दैट्स राइट। किसी को डाउट है तो इसमें बात करो, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट्स अ डाइसी, मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट याद रखना बड़ा डाइसी है। मैंने सुना है लोग इसको रट लेते हैं, इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको रट लेते हैं, उससे काम चलेगा नहीं दैट वे। एनी अदर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11? सर काइंड ऑफ सिमिलर लाइंस पे मैंने ही सोचा था, लाइक इसने जो बोला कि वो जो दो दोनों टेंजेंट्स का वो फॉर्म दे रखा है, तो जो वो टेंजेंट्स जो मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नहीं, जो वो एंगल बना रहे हैं दोनों में, एक अगर वो एक थीटा से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओरिजिन से थीटा है और दूसरा फाई है, तो फिर वो cos थीटा प्लस 5 बाई 2 माइनस cos थीटा माइनस 5 बाई 2 जो इक्वल टू 1 आ रहा है, उसमें जो अगर हम cos ऑफ डिफरेंसेस लेंगे जो दो दे रखा है इक्वेशन में इक्वल टू 1, और फिर उसको सर्कल पे वापस सबटेंड करेंगे वो जो कॉर्ड्स बना रहे हैं एंगल, तो वो थीटा बाई 2 और थीटा प्लस 5 बाई 2 और थीटा माइनस 5 बाई 2। नहीं 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 नहीं, इसका सॉल्यूशन लिखेगा तो डिटेल। इज देयर एनीवन हु अंडरस्टूड दिस वन व्हाट ही इज सेइंग? हैव यू रीच्ड टू द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर मतलब मैंने पूरा सिंपलीफाई वैसे नहीं किया था, बट आईडिया वैसा करके देखो, करके देखो एक बार फंस हो गए है ना, सॉल्यूशन करके ग्रुप पे डालो उसको एक बार। ओके ठीक है, हां चलो अनन्या यू कैन गो एट प्लीज। सो 12 13 14 13, सो इन दिस तो पहले तो पहले हम डिस्टेंस जो दिया हुआ है डिस्टेंस पी कॉमा एल, तो पी कॉमा एल वन आता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई रूट टू डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, और पी कॉमा एल टू आता है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई बाई रूट टू। फिर उसको हम लिखते हैं जब टू मतलब जो कंडीशन दी हुई है कि टू लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा एल वन प्लस पी कॉमा एल टू लेस देन इक्वल टू फोर, तो फाइनली आता है टू रूट टू लेस देन इक्वल टू मतलब मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मोर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2। तो इससे हमारे चार रीजन बन जाते हैं मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में। तो फर्स्ट रीजन बनता है जहाँ पर वाई लेस देन मोर एक्स होता है, जिसमें तो फर्स्ट कैसे मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करें, मतलब ये ग्राफिकल चीज था। तो मतलब चार रीजन बनते हैं बेसिकली जो चीज है उस पर, और फिर उन पे डिपेंड करके जो मॉड है वो ओपन होता है। तो फिर लाइक वो जो चार रीजन, फिर वो चार रीजंस का जो पर्टिकुलर धन्यवाद बेटा, ये क्वेश्चन जो ना 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई और एक्सप्लेन करेगा इसको? इसमें स्क्वायर बनता है,
यार बेटा इतना अपना बैच बहुत अच्छा है यार, इतना ध्यान इतना ज्यादा नहीं बताने का। स्क्वायर्स बनते हैं ना, दो स्क्वायर्स बनते हैं उनका area of outside dimensions inside का वो जो region आता है R region है वो यार तो 24 आता है में, तो ये बच्चे बड़े मस्त बच्चे हैं अपने बैच के ना, अपने में समझ जाएंगे। बच्चों समझ में आया क्या, दो स्क्वायर्स के बीच का एरिया ही तो निकालना है। yes. किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके गो अहेड। 14 में फैक्टराइज कैसे किया? और मैंने वो यूज किया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, उससे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा उससे हो जाता है क्या, मतलब 2x प्लस y इक्वल टू 1 को जब होल क्यूब करते हैं तो आई थिंक उससे होता है क्या, मतलब उससे मेरा मतलब ऐसा कुछ आता है ना, एक लाइन आती है और एक पॉइंट आता है। लाइन आता है और हां हां एक पॉइंट है, वो जो दूसरा पॉइंट है उसको लोकेट कैसे किया? वही ना, मतलब मेरे को बस मेरे को एक लाइन आई और एक आज मैं ज्यादा इंटरफेयर कर रहा हूँ, जनरली मैं बच्चों के बीच में इंटरफेयर करता नहीं हूँ, बट पहला लेक्चर है तो सोच रहा हूँ कि तुम लोग को आइडिया लगे कि डिस्कशन में बेस्ट डिस्कशन देना चाहिए। अभी किसी स्टूडेंट्स को इसका बेटर आइडिया पता है क्या? सर माइनस वन को लेफ्ट साइड लेके एक यू का देखो उसने बोला होता है। वो मैंने किया था लेकिन वो करने पे जो सेकंड फैक्टर आता है वो सेकंड फैक्टर का कोई वो नहीं आता। अच्छा सुन ना क्या आ रहा है मेदांश, मेरी बात एग्जैक्टली दैट्स व्हाट सो उससे कोई पॉइंट जो किया है ना, मैं बताता हूं अनव ने क्या किया है। अनव ने उठा करके 8x क्यूब को 2x होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस माइनस 1 होल क्यूब is equal to 3 times ABC आ गया, मतलब A cube plus B cube plus C cube equal to 3 ABC आ गया। हो गया क्या, question ही solve हो गया, इधर में line ही पकड़ में आ गई। हाँ सर इधर C zero तो 2x plus y minus 1 equal 0, that's it, 2x plus y minus 1 is equal to 0। सर फिर एक point भी आएगा ना जो हाँ एक point A is equal to B is equal to C वाले condition। हाँ वो condition से निकल रहा है, A equal to B equal to C से एक point भी आएगा, a point on a line परपेंडिकुलर लेंथ ही तो निकालनी है, बराबर है क्या? हेलो यस सर, परपेंडिकुलर लेंथ ही निकालनी है ना। ठीक है मैदान समझ में आया क्या? हाँ सर। ऑलराइट अनन्या गो फॉर द नेक्स्ट। बच्चों आज ही बोल रहा हूँ, ज्यादा फिर बीच में मैं डिस्टर्बेंस करूंगा ना तुमको, आज थोड़ा बोल रहा हूँ इसलिए कि फर्स्ट डे है, डिस्कशन में कहीं दिक्कत ना होएगा। गो अहेड फॉर द नेक्स्ट। 15 16 17 18 19 yeah 20 oh how did you do the 18th one without differentiation? Differentiation only like वो पेपर में टाइम कंस्ट्रेंट था तो जब से जल्दी वही दिख रहा था, ऐसे फिर दूसरा मेथड नहीं सोचा। सर रिफ्लेक्शन से का पॉइंट अज्यूम लाइक ये डिस्टेंस बिटवीन लाइंस है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है ना, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आयति तूने कैसे किया बेटा? सो मैंने आगे डिफरेंशिएशन से किया, बट व्हाट सिद्धार्थ सेड दैट यू टेक टू पॉइंट्स एंड देन आई मीन सम ऑफ डिस्टेंस, सो ए कॉमा एक्स एक पॉइंट आता है, एक्स कॉमा 0 पॉइंट आता है, बी कॉमा सी एंड 0 कॉमा कोलिनियरिटी वाली कंडीशंस निकल रही है ना। यस सर। पीए प्लस पीबी ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ आ जाता है ना। अरे बाबा वो पी पॉइंट तुम एक्स कॉमा ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आ जाती है ना कोलिनियरिटी की कंडीशन। किसी बच्चों को डाउट है क्या इसमें कुछ, ये सॉल्यूशन चाहिए क्या किसी को ग्रुप पे? डिफरेंशिएशन से नहीं करना था, बस सिर्फ इतना मुझे बोलना है, अगर बगैर डिफरेंशिएशन यू हैव अंडरस्टूड इट देन इट्स ऑल फाइन। ओके अनन्या आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर गाइस, हाउ डिड यू ट्राई
just a moment, which question I felt it was supposed to be a better question. अच्छा नहीं ये हो गया ना हाँ I was trying for 14th only I was thinking which has been done okay okay sorry my bad question number 21 to 30 किसका turn है हाँ sir 21 में किसी को doubt है क्या okay 22 23 24 24 में doubt okay तो 24 में क्या है x comma y जो है वो एक पॉइंट है और x कॉमा वाई से हमें 0.0 1.0 0.1 और 3.4 से डिस्टेंसेस मिनिमाइज करने हैं ठीक है तो क्या करना है कि अगर वो चार पॉइंट को ए बी सी डी ले लेते हैं जो जहाँ पे ए सी डायगनल होगा तो पी ए प्लस पी सी वो ग्रेटर इक्वल ए सी होगा और पी बी प्लस पी डी वो ग्रेटर इक्वल बी डी होगा और इक्वालिटी होल्ड करेगी जब ए सी इंटरसेक्शन बी डी पे पॉइंट होगा दोनों ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इक्वालिटी होगा तो जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो ए सी प्लस बी डी आ जाएगा जो 5+√2 आता है ठीक है नहीं 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 मेधांश एक बार वापस बोल हाँ सर वो सर अच्छा क्वाड्रिलेटरल है सर तो चार पॉइंट है समझ में आया कैसे क्या बोला हाँ सर इसने ट्रायंगल इनइक्वालिटी से पहले वो मतलब इनइक्वालिटी जनरेट किया और फिर दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन मतलब वही लाइन पे रहेगा तो फिर वो हो जाएगा नहीं तूने एसी को डायगोनल जो लिया है एक मिनट हाँ सर ए 00 बी 00 ले लिया बी 10 सी 01 तूने 00 ले लिया नहीं नहीं सॉरी ए बी और सी 3.4 और डी 0.1 सी तूने 3.4 और डी हाँ ठीक है साइक्लिक ऑर्डर में वैसे लिया साइक्लिक ऑर्डर में ओके Nice, good method. ठीक है. 25 में किसी को doubt है? 26 में. 26 में तो वो rotation लगा के मतलब A B C A dash A B और H A 1 B 1 के terms में आ जाते हैं फिर checking ही करनी है option की. मतलब वैसे ही किया वो लंबा जाता है काफी. किसी और को कोई idea 26 में? Fast method नहीं है कोई शायद. सर रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइंस को तो सेम ही चीज है मतलब दिस इज द सेम आईडिया सेम ही लंबा उतना ही पड़ेगा हां बट ठीक है नहीं यार कैसे लंबा पड़ेगा एक बार बताओ रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा x2 का कोफिशिएंट y2 का कोफिशिएंट और xy का कोफिशिएंट अरे हां वो कैलकुलेशन लिखते लिखते टाइम लग जाएगा या दैट्स ट्रू ठीक है ओके 28 हां ठीक है गो अहेड प्लीज 29, 30, 28 का कोई शॉर्ट मेथड है क्या बहुत लंबा गया नहीं नहीं मैंने तो लगा के ही किया मतलब पहला ऑप्शन लगाया और हो गया एक एक वो निकाला हाँ मतलब और कैसे फास जाएगा नहीं नहीं मैं उसको नॉर्मली सॉल्व कर रहा था फिर नहीं 27 भी लंबा ही है 27 भी लंबा ही है पूरा कैलकुलेशन ही है सारे पॉइंट निकाल के लाइन ही निकाल लिया 27 गीसू क्वेश्चन है इट्स वेरी लेंथी आंसर करेक्ट आ रहा है क्या 27 का यस 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 ही आता है हाँ 28 भी घिसने वाला है किसी को अच्छा मेथड पता है क्या 28 का अनाव नहीं सर वो लाइन अज्यूम करके फिर वो कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी लंबा गया था और रिफ्लेक्शन वगैरह लेके सारा झंझट करना ही पड़ेगा ना यस सर 30 में डाउट है किसी को ओके मेदांश ने बड़ी जल्दी निपटा दिया वेरी गुड मेदांश के बाद कौन है सर ओके रचित 31st तो 31st में मुझे मतलब वो मैट्रिक्स तो वो तो इजी है वो डिटरमिनेंट फॉर्म में लाने के लिए तो लेकिन ये ऑप्शन ए और सी को मतलब कैसे लाते हैं वो मैनिपुलेट करते एक ऑप्शन आ जाता है वो बी आ गया था मुझे तब कुछ इजी इजी से हो जाएगा मतलब मैनिपुलेशन करके लाइक वन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएगा तो सी बाय सी माइनस वन वन बाय वन माइनस सी बन जाएगा लाइक वैसा हेलो
31st में क्या क्या गोपाल तेरा क्वेरी क्या था 31st में? तो वो पहला डिटरमिनेंट तो आ गया था लेकिन फिर मैंने मुझे बस एक ही ऑप्शन आया था, मुझे शायद से बस बी आया था, मैंने ए और सी को किया नहीं था। डिटरमिनेंट से शायद ए आता है फिर बी और सी आ जाते हैं, माइनस मतलब 1 प्लस बी माइनस बी लिख देगा तो आ जाएगा। अरे नहीं डिटरमिनेंट में पता है तुम लोग जो ना, अच्छा तुम लोग को डिटरमिनेंट हुआ ही नहीं है अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया नहीं है ना? नहीं सर। हाँ यार ये फिर थोड़ा गंदा ही तुम लोग को जाएगा। नहीं सर मैंने डिटरमिनेंट निकाला और सर a इक्वल टू जीरो b इक्वल टू वन b इक्वल बी सी इक्वल टू वन लिया तो उससे आ जाते सर। Can you write this? I mean, you got in very less steps, क्या राजदीप? हाँ सर मतलब वो determinant का evaluate किया पूरा और सर फिर option check किया। इसका एक solution डालना group पे please। अभी नहीं बाद में। Okay सर ठीक है ना? चलो ठीक है। Go ahead। 30 second। 30 second में D आता है ना? हाँ D आता है सर। हाँ D आता है। इसमें answer match नहीं हो रहा सर। सी दिए रखा है पीछे। एक मिनट मुझे 30 second क्वेश्चन पढ़ना दो। 30 second में सबको डी आ रहा है क्या? यस सर। फिर मैं कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ भाई? रुको। ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर टू वेरिएबल रेक्टेंगल मिनिमम एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज 34 देन एक्स बाई 4 मिनिमम एरियाज के लिए x by 4 तो लोकल पूछेगा लोकल पूछ नहीं सकता तो x by 4 होगा तो एक ही आंसर दो आंसर आ रहे हैं क्या इसके? थर्टी सेकंड में आंसर क्या मैच नहीं कर रहा? शायद 32 आता है सर याद नहीं है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? हाँ 4 आता है। 4 आता है। 4 आता है। एरिया 16 आता है। हाँ 16 आता है। वो I think 16 आ गया होगा तो मतलब 4 से डिवाइड किए बिना ही आंसर दे दिया गया होगा शायद हो सकता है। एरिया 16 आता है क्या? सर पेरिमीटर 16 आता है डिवाइड बाय पेरिमीटर 16 आता है एरिया कैसे 16 आता है? हाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आंसर में क्या दिया हुआ है बच्चों आंसर में क्या दिया हुआ है? सी दिया है सर। सी दिया है ना तो सी आंसर क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है ना सी आंसर? डी आ रहा है सर। सर डिवाइड बाय 4 है। एक मिनट अब यार मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पर तब देखूंगा मैं। सब बच्चों को 16 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। क्षितिज हां सर मुझे 4 ही आ रहा है। हाँ तो फिर मैं ही कुछ गड़बड़ कर गया हूँ एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है डन। ओके गो अहेड। 33rd में डिटरमिनेंट कैसे वैल्यूएट किया? वो 34 था ना। 33rd में भी डिटरमिनेंट आता है ना सर? उससे मैंने वो क्यूबिक इक्वेशन के रूप से सॉल्व किया। अच्छा उससे हो जाता है क्या? हाँ क्योंकि कोलिनियरिटी का कंडीशन मतलब उससे फिर एक क्यूबिक जनरेट होगा तो उसके सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशन। नहीं मैंने डिटरमिनेंट स्प्लिट करके किया मतलब वो हर बार स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट से किया। हाँ, 3-4 स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आ जाते हैं वो हर बार स्प्लिट करके स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आता है फिर रो कॉलम ऑपरेशन लगा के इवैल्यूएट हो जाता है। क्यूबिक बन नहीं रहा था किस में बनाया किस टी में क्यूबिक बनता है क्या? हाँ टी में क्यूबिक बनता है। अच्छा तो मतलब लाइन अज्यूम करके उसमें टी डाल दिया था फिर? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है तो शायद उससे आ जाता होगा फास्ट। हाँ लाइन तुम ax plus by plus c या y equal to mx plus c ऐसा कुछ ले लो राइट एंड देन प्रोसीड टी में क्यूबिक आ जाता है एक्चुअली इसमें। अच्छा ठीक है सर वो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के डिटरमिनेंट्स की कहां जरूरत पड़ रही होगी इसमें बाय द वे सर? वो मतलब t equal to abc में जब वो डिटरमिनेंट लिखते हैं तो मतलब उतना गंदा नहीं है वो खुल जाता है तो कैसे किया
वन है कि नहीं है? शायद नहीं है सर, नहीं है सर। कह रहा हूँ तूने कैसे किया है क्वेश्चन? सर मेरे से नहीं हुआ सर, डिटरमिनेंट आता नहीं है मेरे को। मैं नॉट डिटरमिनेंट्स के भी कर सकते थे उसे। आयति ने कैसे किया होगा? I solved the cubic and then जब मुझे S1, S2, S3 आया then I satisfied it with all of the options तो फिर मैंने आया। ओके हाँ वो यार बड़ा इजी आता है, पता नहीं क्यों तुम लोग लंबा खींच रहे हो इसको। उतना लंबा है नहीं, मुझे तो लग रहा है 3-4 लाइन में हो जाना चाहिए। अच्छा लंबा जा रहा है, सॉल्यूशन भेजना है क्या इसका? बोलो मैं लिखूं क्या सॉल्यूशन इसका? क्या नहीं सर, समझ गया, वो वैसे आ जाना चाहिए उस तरीके से भी। अच्छा चलो गो अहेड। 34 मुझे नहीं आया क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट। हाँ यार ये क्वेश्चन डालने नहीं चाहिए थे वैसे। 34 में C1, C2, C3 एक्चुअली डेल्टा स्क्वायर आ जाता है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है जो भी। हाँ ये प्रॉपर्टी होता है बच्चों, किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स का जो डिटरमिनेंट निकालते हो ना वो उसके स्क्वायर होता है एक्चुअली, तो यू कैन यूटिलाइज दिस प्रॉपर्टी। किसने किया ये? लेकिन फिर भी वो डालने के बाद डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा तो लैम्डा वन आ जाएगा, तो वो समझा नहीं मेरे को कैसे हुआ है। सी हाफ दे रखा है, मतलब हाफ दे रखा है उसका आंसर। अगर डेल्टा स्क्वायर डिटरमिनेंट डेल्टा अगर ये है तो नीचे वाला डेल्टा स्क्वायर आना चाहिए, लैम्डा वन आना चाहिए फिर। नहीं नहीं नहीं, डेल्टा स्क्वायर कैंसिल होता है C1, C2, C3 के साथ में, लैम्डा वन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो एकदम करेक्ट है। किसी और ने किया ट्राई? सर रिजल्ट लिखा हुआ था तो रिजल्ट में हाफ लिखा है, इधर तो नोट्स में लिखा हुआ फार्मूला है, पता था। इसका सॉल्यूशन मैं भेजूं क्या तुम लोग को? हाँ सर भेजूं। चलो ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं भेजता हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ग्रुप पे मार्क कर देना, ठीक है? सिद्धार्थ टॉप पे जो बच्चा रहेगा ना, मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेजने हैं वो उसी को हर बार मार्क करना पड़ेगा, राइट? नंबर वन पे जो भी बच्चा रहेगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 मेरे को भेजना है ना सर? 34 सॉरी, गो फॉर द नेक्स्ट। 35, 36, P1, P2 कर सकते हैं प्लीज। Which one? P2। सर वो बीटमेंट टोलेमिस थ्योरम से हो जाता है। हाँ। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो? सर 40 और 41। 40 and 41। किसका टर्न है, कौन ले रहा है ये? सर मैं। 41 onwards is me, but 41 is something that I did not get. अच्छा। मेरे शब्द पर एंटर दिस। हाँ किसने किया? एक्सप्लेन करो। वो टोलेमी आ रहा था ना रचित? हाँ सर। हाँ मतलब वो साइक्लिक आ गया था। P1 और P2 दोनों टोलेमी से हो। हाँ साइक्लिक आ रहा था वो। पैसेज वन में क्या तीनों कोऑर्डिनेट निकाले थे क्या? हाँ मैंने निकाले। हाँ वो निकालने के बाद में 39 वाले में जैसे मतलब 39 जो है मतलब वो वाला क्वेश्चन था ना 24 वैसे ही आई थिंक हुआ था। हाँ वो मतलब एक सेम ही तरीके पॉइंट आता है। हाँ 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 पूरा निकालना पड़ा ना, मतलब फास्ट नहीं है ना उससे कुछ। हाँ ठीक है ठीक है। 37 के निकालना पड़ा फिर 38 39 फास्ट। अब 37 के लिए निकालना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। यू आर राइट। कोई और अल्टरनेटिव आइडिया है क्या किसी के पास? सिद्धार्थ
नहीं सर, मतलब अल्टरनेट नहीं है, सेम ही तरीके से। सर वो कॉस के मिनिमम से आ जाएगा ना, सिग्मा कॉस ए कॉस बी का मिनिमम -3/2 रहता है, 37। एक मिनट, क्या क्या वापस बोल सर? मतलब याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट सिग्मा कॉस ए कॉस बी का मिनिमम -3/2 रहता है ना। हां वो तो ठीक है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 37 आ जाएगा वैसे। अच्छा डायरेक्ट आ रहा है क्या? राजदीप? यस सर। कुछ डायरेक्ट ही आ रहा है क्या यार? मैंने भी कोऑर्डिनेट ही निकालने का सोचा एक्चुअली। नहीं सर, मतलब वो सिग्मा सर कोऑर्डिनेट्स कॉस ए कॉस बी कॉस से आते हैं ना, मतलब cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 x1 = x2 = x3। सिद्धार्थ तुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हां सर, सर वो शायद बोल रहा है कि समेशन cos थीटा 1 थीटा 2 जो रहता है ट्रायंगल के लिए वो -3/2 मिनिमम इक्विलेटरल पे आता है, तो जेनसन से निकल जाता है। ठीक है, डन। हां सही किया होगा। हां और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ट्रू रहता है वो जो प्रॉपर्टी है। यस सर, तो इसे डायरेक्ट 3/2 -3/2 आ जाता है, इससे फास्ट जाएगा। लेकिन फिर 38 के लिए निकालने ही पड़ेंगे फिर। हाँ, वो तो आगे वो तो निकालने ही पड़ेंगे ना। हाँ सर, चलो ठीक है सर। 38 के लिए सिर्फ साइड लेंथ चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, साइड लेंथ। तो 38 के लिए तो पीएपी भी पीसी निकल जाएगा, तो फटाक से हो जाएगा। हाँ वो तो 38 भी बिना कोऑर्डिनेट के हो सकता है। आर दिया हुआ है ना? हाँ सर, आर टू आता है, नहीं रूट टू आता है। हाँ आर तो रूट टू आता है, यार यू आर राइट, वो बहुत जल्दी से निकल जाता है। और मतलब पीबी इक्वल टू पीए प्लस पीसी दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी मतलब तुम लोग अप्लाई कर सकते हो इधर में। ये तो जल्दी, ये तो 30 सेकंड्स में हो जाता है क्वेश्चन। मतलब 38 का सॉल्यूशन चाहिए चाहिए क्या किसी को? ओके, 37, 38, 39, done। कोई 41st पूछ रहा था ना? Yes। 41st किसने किया? Yes। सर वो टोलेमी है ना, मतलब सर वो सर्कल आता है टोलेमी से। हाँ टोलेमी से सर्कल। साइक्लिक कोऑर्डिनेट दोनों हो जाते हैं ना मतलब। Yeah, that's right। ऐसी कोई डाउट है क्या इसमें? समझ में आया क्या? लास्ट पैसेज का शॉर्ट मेथड है। लंबा जा रहा था, काफी लंबा। I think what I did was in center से मैंने तीनों sides के perpendicular find के equate किया and then I got the value of c and then उसके बाद radius find कर लिया। AI is equal to r divided by sine of a/2। फिर भी लंबा ही गया होगा शायद। हाँ, it went quite long। एक मिनट, let me think about it। यार ये ठीक है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। कोई किसी का ऑल्टरनेटिव है क्या इसका? मुझे भी यही मेथड ठीक लग रहा है। You have the slope as well. You can satisfy it and you get it. Matlab, you take the equation in the form bm square plus 2hi plus a is equal to 0 and uske lines become y is equal to m1 x1.
हाँ एक डर्टी इक्वेशन बनता है लेकिन हो जाता है, हो जाना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। सर इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो स्लोप अज्यूम करने से भी वैसे हो जाता है, प्योर ज्योमेट्री से होता है, हो जाता है। तो मतलब 42 तो वैसे ही निकाला, 43 भी वैसे ही हो जाता है। अच्छा एक मिनट कह रहा इसका सॉल्यूशन राजदीप, इसका सॉल्यूशन भेज ज्योमेट्री से कैसे किया है सर। अभी सर फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, मतलब उसके बाद, अच्छा लेक्चर के बाद भेज देना। अच्छा ओके सॉरी राइट। तो तेरे पास तीन सॉल्यूशन तुझे भेजने हैं पता है ना। हां सर। हां ठीक है राजदीप, वो एंगल ऐसे ए और ए प्लस भी आता है मतलब। हां 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 ठीक है। एनीथिंग अदर देन दिस दिस लेफ्ट Okay guys, just a moment.